दोस्तों, क्या आपको पता है कि चूतिया कैसा दिखता है? अगर आप गूगल पर सर्च करें कि पिक्चर ऑफ चूतिया तो कुछ ऐसा निकलेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भारत का कुछ असली चूतिया का पिक्चर। और मजे का बात यह है दोस्तों कि ये तीनों पड़ोसी हैं जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से पूरा देश घर पे बंद है और ऐसे समय इंसान को एक फेंका हुआ खाना पे डिपेंड रहने वाला प्राणियाँ भूखा है, तो ऐसे में कुछ लोग आगे आए स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने के लिए और तभी ये तीनों चूतिया प्रकट हो गए। मिडिल वाला चूतिया तो कुत्ते और खाना देने वाले को गोली मार देने का धमकी दे दिया। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। ये बुड्ढा ये बता रहा है कि कुत्ते के काटने से उसका पड़ोसी का कोई मर गया। टकले को कोई ये बताओ कि कुत्ते को खाना सड़क पे दिया जा रहा है, उसके घर पे नहीं। हम आपके घर पे नहीं कर रहे हैं, हम कॉलोनी में फीड कर रहे हैं। आप सब ले जाओ ना। भाई क्यों ले जाए सबको, खिलाने गया है, उठाने नहीं। के सामने देखिए, हम स्ट्रीट के सामने फीड करेंगे। टकले ने बोला हम भी खिलाता है, लेकिन वो दूसरे को सड़क के किनारे खिलाने नहीं दे रहा है, तो वो खिलाता कहाँ है? साला झूठ बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सवेरे मैंने धोया, लेकिन इसको देख के नहीं लगता कि अपना कच्चा भी धो सकता है खुद। तो बातचीत का आवाज सुन के एक जानवर वहां से चल के आ रहा है, देखिए पीछे। आदमी क्लीन करने तो आता ही है। लो भाई लो, अब ये मोटा सांड जैसा आंटी को कोई ये समझाओ कि कुत्ते से कोरोना नहीं फैलता। मैंने कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे हाथ मत लगाइएगा, मैं FIR फाइल कर लूंगा। नहीं, और तभी उधर से ये चूतिया भी आ गए। Why don't you shut up? Why don't you shut up? I have been listening for all right, fine, go ahead. Just shut up. No one's going to What miss we have? Shoot it right now. What miss? Shoot it right now. What miss? Shoot it right now. अंकल बातें कम और गोली से भूनने का धमकी ज्यादा दे रहा है। What you are going to feed that? Because they are pups, they will die. Go and feed your at your home. No, we will feed in the colony. You want to pull? Don't touch. Pick up all these. Don't touch. You just pick up these pugs to your home. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. अंकल को समझ में नहीं आया कि don't tell me what to do सुन के react क्या करता है, तो उन्होंने ये किया। Don't try to reach over there. रास्ते को ये लोग बाप का जगह समझ लिया है शायद। मना कर रहे हैं, फिर भी मना कर रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे MCD आके उठा के लेके जाती है। मना करिए, ठीक है, फीड नहीं करेंगे। कॉल द पुलिस मैम, कॉल द पुलिस, कर करिए, लेकिन फीड नहीं करेंगे। इलीगल, मैं मना कर रहा हूँ। डू वट एवर यू वॉन्ट हियर। You are keeping these girls, these innocent bachches at the risk. How am I keeping at the risk? इसका मतलब अंकल ये बोलना चाहता है कि हमारा बच्चा घर पे भी घूमेगा, रास्ते पे भी घूमेगा। मतलब घर पे तो हम रहेंगे ही, रास्ते में भी हम रहेंगे, और कोई नहीं ले सकता भैया। हाँ, सब में इनका ही राज है भैया। आप लेगा इन बच्चों को, शाम को रहते हैं बाहर। Who is responsible? ये सफेद जवानी को कोई ये समझाओ कि सरकार ने बोला है 21 दिन तक घर पे रहना है, रास्ते पे नहीं, वो शाम हो या फिर सुबह। इसके बावजूद भी बच्चा रास्ते पे निकलता है तो वो खुद जिम्मेदार होता है, डॉग फीडर्स नहीं। लुक एट दिस मैन, इनकी ना कोई कल्चर है ना वो है। लुक एट दिस मैन, इनकी ना कोई कल्चर है ना वो है। लुक एट दिस मैन, इनकी ना कोई कल्चर है ना वो है। दोस्तों, ये सफेद जवानी के लिए एक ताली तो जरूर बजना चाहिए, क्योंकि इतना इंसल्ट हजम करके अगर कोई रास्ते पे खड़ा रहता है तो इसका मतलब ये है रात को उसका मशीन जरूर खड़ा होता है।
These are your manners. You pushed me. You pushed me. You pushed me. You pushed me. ये बात तो बुड्ढे ने पूरा सही कहा है बॉस. ये आप लोग की रोड्स आप लोग की नहीं है. Roads don't belong to you. Roads don't belong to you. Roads don't belong to you. दोस्तों ये फीडर फाइनली वो बात बोला जिसका मैं इतना देर से वेट कर रहा था. इन्होंने फाइनली बोला कि रोड्स डोंट बिलोंग्स टू यू. मैं इसका ही अपेक्षा कर रहा था. दोस्तों शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ एक ना बोल पाता हुआ प्राणी को दुख के टाइम खाना देने से किसी का इतना प्रॉब्लम. सरकार इस लॉकडाउन के टाइम पे ये बोल रहा है कि कानून को हाथ में मत लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो पुलिस को कॉल कीजिएगा. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे मामलों में कानून अपना हाथ में ज़रूर लीजिएगा ताकि कोई कानून का और किसी का भूख का मजाक ना बना पाए. दोस्तों ये वीडियो मैं किसी को शेयर करने का अपील नहीं करूँगा. मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो जो डॉग लवर्स है वो इन डॉग फीडर्स के लिए क्या कर सकते हैं. क्या इन डॉग फीडर्स के लिए वो इतना शेयर करके ये ओरिजिनल कल्प्रिट का नाम पता ठिकाना ढूंढ सकता है. चलिए देखते हैं.